हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस स्पेशली एमपीपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए बने हुए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हम हर रोज 5 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि एमपीपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशंस इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में परिवहन तथा संचार। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, जबलपुर किस रेल खंड का मुख्यालय है? ए पश्चिम मध्य रेलवे, बी उत्तर मध्य रेलवे, सी दक्षिण मध्य रेलवे, डी पूर्वी मध्य रेलवे। उत्तर है ए पश्चिम मध्य रेलवे। भारत को कुल 17 रेलवे जोन में बांटा गया है। इन रेलवे जोन में से एक मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया, जिसे पश्चिम मध्य रेलवे जोन का नाम दिया गया है। इस पश्चिम केंद्रीय रेलवे जोन का मुख्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 1, जबलपुर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ विच रेलवे सेगमेंट? ए वेस्ट सेंट्रल रेलवे, बी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, सी साउथ सेंट्रल रेलवे, डी ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। आंसर इज ए वेस्ट सेंट्रल रेलवे। इंडिया इज डिवाइडेड इंटू 17 रेलवे जोन्स। वन ऑफ दीज रेलवे जोन्स हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन मध्य प्रदेश, विच हैज बीन नेम्ड एज वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन। दिस वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन इज हेडक्वार्टर्ड एट जबलपुर इन मध्य प्रदेश। प्रश्न 2, मध्य प्रदेश में कितने रेलवे क्षेत्र हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। उत्तर है बी 3। मध्य प्रदेश में 3 रेलवे क्षेत्र हैं, मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे तथा दक्षिण पूर्वी रेलवे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी रेलवे एरियाज आर देयर इन मध्य प्रदेश? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आंसर इज बी 3। There are 3 railway areas in Madhya Pradesh: Central Railway, Western Railway and Southeastern Railway. प्रश्न 3, मध्य प्रदेश डाक परिमंडल का गठन कब हुआ? A 1962, B 1965, C 1972, D 1977। और इसका आंसर है A 1962। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 1962 को डाक तार परिमंडल का गठन किया गया। आरंभ में इसका मुख्यालय नागपुर में था, जिसे 1 जुलाई 1965 में भोपाल स्थानांतरित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वाज द मध्य प्रदेश पोस्ट सर्कल फॉर्म्ड? ए 1962, बी 1965, सी 1972, डी 1977। And the answer is A, that is 1962. Postal Wire Circle was formed in Madhya Pradesh on April 1, 1962. Initially, its headquarters was in Nagpur, which was shifted to Bhopal on July 1, 1965. Prashn 4. Madhya Pradesh mein kitne Akashvani Kendra hain? A, 12, B, 15, C, 20, डी 22। उत्तर है सी 20। मध्य प्रदेश में 1955 से प्रारंभ हुआ आकाशवाणी प्रसारण के केंद्रों में वर्तमान संख्या 20 तक पहुंच चुकी है, जिसमें से इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर आदि प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 4, How many radio stations are there in Madhya Pradesh? A 12, B 15, C 20, D 22. Answer is C 20. Starting from 1955 in Madhya Pradesh, the present number of stations of AIR broadcasting has reached 20, out of which Indore, Bhopal, Gwalior, Jabalpur, उज्जैन, सागर एटसेट्रा आर दी मेन वंस। प्रश्न 5,
मध्य प्रदेश में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस जिले का है? ए सतना, बी पन्ना, सी सीधी, डी छिंदवाड़ा। उत्तर है ए सतना। मध्य प्रदेश में सड़कों की दृष्टि से सर्वाधिक घनत्व वाला जिला सतना है, जबकि सर्वाधिक सड़कें हैं 3,228.7 किलोमीटर प्रदेश के सीधी में है। क्वेश्चन नंबर 5। विच डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रोड्स इन मध्य प्रदेश? ए सतना, बी पन्ना, सी सीधी, डी छिंदवाड़ा। आंसर है ए सतना। इन मध्य प्रदेश द हाईएस्ट डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट इज सतना फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रोड्स, वाइल द हाईएस्ट रोड्स आर 3,228.7 किलोमीटर इन द सीधी। दोस्तों आज हम इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आज हम आप सबके साथ 5 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। हम कल फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के साथ। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और इसके साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए। इससे आपको टाइम टू टाइम हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए। स्पेशली उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो MPPSC का एग्ज़ाम देने वाले हैं, और आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। दोस्तों पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। बाय बाय।